हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिनके बच्चे की एज अभी 1 ईयर से कम है, क्योंकि बर्थ से 1 ईयर तक का टाइम बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इस एज में बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। इस एज में बच्चा बहुत सारी नई एक्टिविटी सीखता है, जैसे पलटना, क्रॉल करना, बैठना, खाना खाना, यहाँ तक कि बच्चे का टीथिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है और बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर देता है। बच्चे में कई सारे चेंजेस आते हैं और ये स्टार्टिंग का 1 साल बच्चे और पेरेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चा बोलकर अपनी बात नहीं समझा पाता है। पेरेंट्स को इशारों में ही बच्चे की बात समझनी होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि 1 ईयर से छोटे बच्चे के लिए पेरेंट्स को किन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो 1 साल से छोटे बच्चे के लिए आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट पॉइंट है, कहा जाता है कि बच्चे बिना किसी रीजन के नहीं रोते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। बच्चा रोकर ही अपनी बात समझाता है। बच्चे के रोने के ये 4 मेन रीजन होते हैं। पहला, बच्चे को नींद आ रही है। नेक्स्ट है, बच्चे को भूख लग रही है। बच्चे के कहीं दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है, बच्चे को गैस बन रही है। बच्चे के रोने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे को गैस बन रही है, स्पेशली जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनके लिए। तो अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसके पेट को टच कर देखिए। अगर बच्चे का पेट टाइट है तो इसका मतलब है बच्चे को गैस हो रही है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को फीड कराते हैं तो उसे प्रॉपर पोजीशन में ही फीड कराइए। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो बच्चे के सर के नीचे हाथ लगाइए, तब दूध पिलाइए। अगर बच्चा फॉर्मुला मिल्क लेता है तो बच्चे के सर के नीचे पिलो लगाइए, फिर उसे फीड कराइए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को गैस कम बनेगी। नेक्स्ट है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद आपको डकार जरूर दिलवानी है, स्पेशली अगर बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं उस केस में। और जब बच्चे को गैस हो रही है तो उस केस में हींग का पेस्ट बनाइए, उसे बच्चे की नाभि पे लगाइए। उससे आप देखेंगे कि बच्चे की गैस तुरंत पास हो जाएगी और बच्चा रोना बंद कर देगा। और अगर बच्चा 2 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आपको बच्चे को टमी टाइम जरूर देना है, यानी बच्चे को पेट के बल लिटाइए। जब बच्चा पेट के बल लेटता है तो बच्चे की गैस पास हो जाती है और बच्चे को गैस बनती भी कम है, और बच्चे का नेक सपोर्ट अच्छा हो जाता है, बच्चा जल्दी बैठना सीखता है, बच्चा जल्दी क्रॉल करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसका हमें छोटे बच्चों के संग ध्यान रखना चाहिए वो है कि 5th मंथ से बच्चे को साइन देने लगते हैं, जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 5th मंथ पर जब बच्चा खाने को देखकर अट्रैक्ट होने लगे तो आप डॉक्टर से पूछकर बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ पेरेंट्स बच्चे को खाना खिलाने में बहुत देर कर देते हैं, यानी बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं, तो इससे बच्चा खाना खाने में थोड़ा रजिस्ट करता है। बच्चे को फर्स्ट फूड में हमें फ्रूट्स प्यूरी देनी चाहिए। फ्रूट्स प्यूरी नेचुरल टेस्टी होती है, जिससे बच्चा इसे आराम से खाता है। इसके लिए आप बच्चे को बनाना प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, चीकू प्यूरी दे सकते हैं, एवोकाडो प्यूरी दे सकते हैं। और जब बच्चे को हम खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को हम पानी पिलाना भी स्टार्ट कर दें। 1 साल से छोटे बच्चे को हमें चीनी और नमक नहीं देना है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का खाना टेस्टलेस ना हो। हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, उसको टेस्ट की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए बच्चे के खाने को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम बच्चे के खाने में डेट सिरप डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची पीस के डाल सकते हैं, थोड़ी दालचीनी डाल सकते हैं। इन सब में नेचुरल स्वीटनेस होती है, बच्चा इस खाने को आराम से खाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बेबी मसाज 0 to 1 ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। गर्मी के मौसम में हमें बच्चे की मालिश दिन में 2 बार करनी चाहिए, ठंड के मौसम में हमें बच्चे की मालिश दिन में 1 बार करनी है, और विंटर सीजन में रात को सोने से पहले आप बच्चे के पैर के तलवे की मालिश और पैर की मालिश कर दीजिए, जिससे बच्चा रिलैक्स होकर सोता है। बच्चे की मालिश के लिए गर्मी के मौसम में कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है, और ठंड के मौसम में बादाम रोगन, ऑलिव ऑयल और तिल के तेल से आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। शाम की मालिश के बाद हम बच्चे को नहीं नहलाते हैं तो उस केस में हमें ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए, और मालिश करने के आधे घंटे के बाद आपको बच्चे को नहलाना जरूर है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 ईयर से छोटे बच्चे का वेट सही रेशियो में बढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस पर बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बर्थ के बाद 1 वीक तक बच्चे का वेट कम होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन 1 वीक के बाद हमेशा बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए।
सिक्स मंथ पर बच्चे का वेट बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए और वन ईयर पर बच्चे का वेट बर्थ वेट का ट्रिपल हो जाना चाहिए। यानी अगर बच्चे का बर्थ वेट 3 kg था तो 6 months पर बच्चे का वेट 6 kg हो जाना चाहिए और वन ईयर पर बच्चे का वेट 9 kg हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो वन ईयर से छोटे बच्चे के साथ आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बच्चे को 1 साल तक आपको खाने की प्रॉपर आदत डाल देनी है, क्योंकि अगर बच्चा 1 साल तक प्रॉपर खाना नहीं खाता है तो वो आगे चल के आपको खाना खाने में बहुत परेशान करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 8 months से बच्चा दिन में 3 meals लेने लगे और 2 snacks लेने लगे, जिससे बच्चे को प्रॉपर फूड हैबिट बढ़ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।